और परवरदिगार ने तो ये जितने भी उलिल अज़्म अंबिया इनको करबला की जियारत भी कराई और करबला के मसाइब में भी शरीक किया। रिवायतें आप उलमा से सुनते हैं, जब हजरत आदम दुनिया में आए हव्वा की तलाश में चले, चलते चलते एक मैदान में पहुंचे। उस वक्त तो सारी दुनिया मैदान थी, आदम से पहले न मकान थे, न शहर थे, न गलियां थी, न बागात थे, मगर चलते चलते एक मकाम पर पहुंचे, ठोकर लगी, पांव से खून जारी हो गए। परवरदिगारा ये कौन सा मकाम जहां मेरे जिस्म से खून का पहला कतरा गिरा? कहा कि ये वो मकाम जहां मेरे हबीब का बेटा, उसका खून गिरेगा और वो अपनी जान की कुर्बानी देगा। आदम मैंने चाहा कि तुम्हारा शरफ बढ़ जाए और वहां तुम्हारा खून भी गिरे जहां हुसैन का खून गिरा। जनाब नूह कश्ती में सवार, तूफान आ चुका, जनाब नूह की कश्ती बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा अल्लाह के नाम से चल रही, चुनाते सारी दुनिया में तूफान और सैलाब, जनाब नूह की कश्ती आराम से जा रही कि एक मरतबा एक मंजिल आई कि कश्ती इतनी तेजी से डगमगाई कि जनाब नूह को खतरा हुआ कि कहीं कश्ती गर्क न हो जाए। घबरा के कहा, परवरदिगारा ये कौन सी जगह? कहा कि ऐ नूह, तुम्हारी कश्ती के ऐन नीचे करबला के मैदान का वो हिस्सा कि जहां हुसैन अपनी जान को कुर्बान करेगा। मैंने चाहा नूह तुम भी जमीन करबला पे किसी मुसीबत को बर्दाश्त करो ताकि हुसैन के साथियों में शामिल हो जाओ। जनाब इब्राहिम घोड़े पे सवार चले जा रहे, इब्राहिम का तो वतन भी करीब है हिल्ला, हिल्ला बाबुल के करीब जहां के जनाब इब्राहिम घोड़े पे चले जा रहे कि चलते चलते घोड़े ने ठोकर खाई, इब्राहिम एक मरतबा जमीन पे गिरे, सर फटा, पेशानी से खून जारी हुआ। परवरदिगारा ये कौन सा मकाम? कहा कि ये वो मकाम जहां सरदार अंबिया के बेटे का खून बहेगा। इब्राहिम हमने तुम्हें भी सवाब में शामिल करना चाहा। जनाब मूसा अपने वसी यूशा इब्ने नून के साथ चले जा रहे, चलते चलते एक मरतबा नालैन का बंद टूटा, पांव जख्मी हुआ, खून जारी हुआ। परवरदिगारा ये कौन सा मकाम? कहा ये वो करबला जहां हुसैन का खून बहने वाला। मूसा हमने तुम्हें भी उस सवाब में शरीक करना चाहा। जनाब सुलेमान तख्त हवाओं पे उड़ता चला जा रहा, हवा सुलेमान के तख्त को उड़ा के ले जाती। एक मरतबा जनाब सुलेमान ने देखा कि उड़ती भी हवा रुक गई, तख्त को झटका लगा, तख्त गिरने लगा, थोड़ी हवा चली, तख्त संभला, फिर तख्त गिरा, तीसरी मरतबा भी ये वाकया हुआ। इसके बाद फिर हवा का निजाम सही हो गया। जलाल के आलम में देखा, ऐ हवा तुझे पता के परवरदिगार ने मुझे तुझ पर भी हुकूमत अता की, ये इस वक्त तूने मेरे तख्त को गिराने की कोशिश की। हवा ने घबरा के कहा कि नहीं या नबी अल्लाह, ये खुदा का हुक्म आया था। परवरदिगार आखिर क्यों मेरे तख्त को खतरे में क्यों डाला गया? कहा कि ऐन तुम्हारे तख्त के नीचे जमीन है करबला, जहां हुसैन को मसाइब का सामना करना, जहां हुसैन मुसीबतों का इम्तिहान देगा। सुलेमान तुम भी वहां पे इम्तिहान दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हो। जनाब इस्माइल गोसवंद चराते, एक मरतबा जो इनके जानवरों का रखवाला आगे कहता कि मैं रोजाना जानवरों को मुख्तलिफ जगह चराने के लिए ले जाता हूं, लेकिन आजकल जिस इलाके में ले जा रहा हूं वहां तो एक नहर भी जारी, बेहतरीन मकाम, नहर भी है यानी पानी भी है और सब्जा भी है, वरना बाकी कहीं पानी मिलता है कहीं सब्जा। 3 दिन हो गए मुझे ले जाते हुए, जानवरों ने पानी पीने से इनकार किया, जानवरों ने सब्जा इस्तेमाल करने से इनकार किया। बारे इलाहा इस्माइल हैरान हुए, बारे इलाहा आखिर किस लिए? कहा कि जिस सरजमीन पर रसूल का नवासा 3 दिन भूखा और प्यासा रहे, ये जानवर वहां पे कभी ना पानी पी सकता है ना चारा खा सकता, इसलिए कि इस्माइल खुदा तुम्हें भी इस अजर में शरीक करना चाहता। जनाब ईसा रिवायतों में ये कि उनको भी यहाँ इम्तिहान देना पड़ा और जिस्म जख्मी हुआ। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तहारीन।